कृपया कर विद्यार्थी के लिए कुछ बोलें। विद्यार्थी अल्पाहारी ग्रही त्यागी है ना। विद्यार्थी के पांच लक्षण हैं, स्वान निद्रा तथैव च। तो विद्यार्थी को कम से कम सोना चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप ना सोएं। सुबह रात्रि को आप जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी जाग जाएं और सुबह शांत चित्त से पढ़ाई करें। विद्यार्थियों को एक लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़ना चाहिए। शुरू शुरू में अड़चन आती है, फिर आप जब रूटीन बना लेंगे, नियम बना लेंगे तो आपको आनंद आएगा उस नियम को फॉलो करने में, नियम के आधार पर चलने में। तो आप उस नियम का पालन करें और नियम पर चलें। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो सदा अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, चलते फिरते रहें, कहीं मार्केट में भी रहें तो उनकी पढ़ाई का ही उनको चिंतन करना चाहिए। वह विद्यार्थी सफल है जो 100% मन 100% समय देता है। हाँ, कुछ परसेंट समय खेलकूद में भी देना चाहिए, पर पढ़ाई डूब के करना चाहिए, मन लगा कर करना चाहिए। मोबाइल सामने रखा हो, टीवी चल रही हो, फिर भी टीवी और मोबाइल से मन हटाकर केवल पढ़ाई, यह विद्यार्थी जिसमें ये लक्षण है कि वो सब त्याग करके पढ़ाई में मन, ये बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा अपने कुल का और अपने देश का। ये कुछ ऐसा पढ़ जाएगा कि सब गर्व करेंगे। ऐसा विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी मिल जाए और हो जाए तो बड़ा कमाल हो जाए। विद्यार्थी जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा त्यागमय जीवन है। सही समय पर सही निर्णय ले लिए जाएं विद्यार्थियों के। विद्यार्थी स्वयं अपने जीवन मन लगा के पढ़ ले और कम समय में अपने आप को सफल बना ले, जय जयकार हो जाएगी।